नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराकघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 163वां जन्मतिथि। सिलचर के सरला बिरला ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित किया गया मनोज्ञ कार्यक्रम। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए पालन किया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। सिलचर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के उद्योग से दीपान चक्रवर्ती ने सोसाइटी की ओर से प्रतिष्ठाता एनडी ड्रोनल की प्रतिमूर्ति पर किया माल्यार्पण। करीमगंज जिले के आसिमगंज पूर्वगुल क्षेत्र में सड़क हादसे में 30 बस यात्री बुरी तरह घायल, 4 की हालत नाजुक। न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के कार्यकर्ताओं पर फेसबुक व ट्विटर के जरिए लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। गैर जिम्मेदाराना तरीके से चल रही है अपप्रचार, कहा सुनील अग्रवाल ने। कछार जिले के गंगानगर रहमान नगर चाय बागान क्षेत्र में एक युवक के ऊपर दुष्कृतिकारियों ने किया जानलेवा हमला। नाजुक हालात में युवक को भर्ती किया गया स्वास्थ्य केंद्र। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराकघाटी के कछार करीमगंज व हाइलाकांदी जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के 163वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर बराकघाटी के लगभग हर एक स्कूल में रविन्द्र जयंती का तिथि पालन किया गया और विश्व कवि द्वारा लिखे गए संगीत, नृत्य व दूसरे आवृत्तियों का बखान किया गया। उनके जीवनादर्श पर भी कई क्षेत्र में विचार विमर्श सभा आयोजित किए गए। सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित सरला बिरला ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वां जन्मतिथि के अवसर पर पालन किया गया।
দিন পর যদি শঙ্কর লাবণ্যের লেখা একটা চিঠি পেল, চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহের খবর, বিবাহ হবে ছ মাস পর জ্যৈষ্ঠ মাসে রামগড় পর্বতের শিখর।